जय गुरुदेव। हम लोग नवल बाण साहेब वंश के हैं। ये हमारे माता पिता ने हमें बताया कि भाई ये हमारे गुरु हैं। गुरु के महिमा का तो बहुत ही बड़ा आज प्रचार है, पूरे भारत में नहीं पाकिस्तान तक इनका व्यवस्था है। कराची में भी हमारे जितने भी हिंदू हैं वो भी नवल साहब, भाण साहब, माणिक साहब और हमारे खुशहाल राम साहब, दाना बापू और लखम सिंह बापू, जो ये सब नवल वंश के प्रचारक थे और इनके आज हजारों लाखों शिष्य हैं जिनके कारण ये महिमा मनाई जाती है। मुंबई में कुछ वर्षों से ये कार्यक्रम अब नहीं बनाया जा रहा है, परंतु 1981 से बहुत ही इसका महाराष्ट्र में प्रचार था, गुजरात में प्रचार था, लोगों के घर घर में संतों मंतों की व्यवस्था थी। संत का ये व्यवस्था इसके लिए किया गया है कि जो हमारे मात पिता हमको ज्ञान नहीं देते हैं वो हमारे गुरु दरबार में मिले, हमारे बच्चों को संस्कार मिले, व्यवस्था मिले, एक अच्छे गुरु का मार्गदर्शन मिले, यह सब सोच हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। आज भारत की जो मर्यादा है, मर्यादा खत्म होते जा रही है, जिसकी व्यवस्था, जिसे लोग सोने की चिड़िया कहते थे, कारण क्या था कि हमारी महिलाओं की संस्कृति, जिस प्रकार हमारी महिला लाज, शर्म, व्यवस्था, सम्मान, इज्जत, बड़ों की सम्मान घूंघट निकाल के जिस प्रकार हुआ करता था, आज ये सब चला गया है। हर आदमी को ये बताने का हो गया कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, पर बड़ा होने से के व्यवस्था होने से आज महिला भी यही बोलती है घर पे कि मैं बड़ी हूँ, मेरा सुनो। महिलाओं ने भी यही काम किया है, जो व्यवस्था, घर की व्यवस्था को, शादी ब्याह संस्कार सब चीज हम लोग ने आज छोड़ दिया है। तो मेरा ये कारण है, मेरा ये कहना है कि आज गुरु महिमा के कारण आज जो रमेश भाई मांडविया, दीपक भाई मांडविया के घर पे जो ये कार्यक्रम रखा, इससे हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ संस्कार सीखे, जिसके दिमाग में कुछ संस्कार के विषय में शब्द बैठे। हमारे बुजुर्गों ने जो बलिदान दिया है, जिस प्रकार से हम लोग को जो सहानुभूति और सोचने की व्यवस्था दी है, वो हमारी कुछ व्यवस्था में बदलाव आ गए। यह सब जानकारी के लिए मेरे मन से मैंने मेरे सभी प्रिय, मेरे बड़े जीजा ईश्वर भाई राठौड़ भाई, हमारे भाई नरसिंह भाई मकवाणा जी, हमारे प्रिय मित्र शंकर भाई जेठवा जी, हमारे रमेश भाई मांडविया जी, हमारे वाघेला जी जो उल्लासनगर के प्रमुख हैं, और आए हुए सभी गेस्ट वरिष्ठ, हमारे संत अर्जुन दास बापू जी कबीर पंथ के हैं। पंथ तो हजारों है, परंतु ये काय के लिए है कि हमारे सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मान, हमारे मर्यादा, हमारी व्यवस्था और हमारे परिवार की जानकारी में जीवन अच्छा सहन हो गए, इसके लिए हम लोग ने इस चीज को ग्रहण किया है। परंतु कुछ समय से हम लोग टीवी, मोबाइल, वीडियो, हर चीज में बिजी हो गए हैं, ये संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरी सबसे निवेदन है कि भाई गुरु किसी का भी हो, उन्होंने जो आपको शिक्षण दिया है उसका प्रचार करें, मार्गदर्शक बने। घर घर में जिस प्रकार हमारे देश में हमारी मर्यादा सोने की चिड़िया कहा जाता था, सम्मान कहा जाता था, हमारी इज्जत बनी रहती थी, एक दूसरे के प्रति हम लोग इज्जत करते थे, वो बनी रहे, यही मेरा मकसद है। इसके लिए मैंने हमारे गुरु का बेड़ा उठाया। मेरे साथ मेरे भांजा है किरण भाई ईश्वर भाई राठौड़, जिसे हम लाड से प्रफुल्ल बोलते हैं, उसने मुझे ये सबसे पहले मेरे दिमाग में डाला कि मामा जी आपके भी गुरु हमारे मालिक
साहब के पिताजी है, परंतु मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप इसके लिए मुझे कुछ बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे भांजे का बात सुनकर। मैं तो कभी भी, आप सबको मालूम है, राजनीति या सामाजिक नीति में मैं ज़्यादा हूँ और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक सोच ही रखता हूँ, और राजनीतिक लोगों से मेरे अच्छे पर्सनली दोस्ती है। परंतु इस गुरु महिमा के कारण, मेरे भांजे के कारण, आज मुझे नवल पंथ के, कबीर पंथ के सब अच्छे अच्छे बड़े वरिष्ठ लोग नजर आए। मुझे आज ऐसा आनंद हुआ कि नहीं, संत है, मन तो है, व्यवस्था है, मर्यादा है। और इसी तरह से अभी मैंने हर लोगों को जन जागृति में भी, मेरे भांजे के साथ, हमारे ईश्वर भाई राठौर जी के साथ, हमारे नरसी भाई, जीतू भाई मकवाणा, किशन भाई राठौर, इन सब को लेके, हमारे वाघेला साहब, हम सब को लेके जहाँ भी, जिस घर में भी संत का कार्यक्रम होगा, वहाँ दिल से, तन मन धन से जो भी मेरे से बनेगा वो मैं करने को, मैं नहीं करता हूँ, ये मेरे गुरुदेव करते हैं। जरा ये सब याद रखना, जो भी इच्छा मेरे हाथ से कुछ नहीं होता, करने वाला तो कोई और है, मैं तो खाली निमित्त हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। क्या मालूम मेरे को, ये मेरे भांजे ने जो आज दीक्षा दी, मेरे से तो काफी छोटा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो भी मेरा गुरु है, क्योंकि उसने मुझे कुछ अच्छी चीज सिखाई। इसके लिए उनके माता पिता की भी जय हो और सभी भाइयों की जय हो। बस यही दो शब्द बोल के मेरे शब्द पूरे। नवल साहब के इस पवित्र आत्मा की आगे लेके आ रहे हैं नवल पंथ के सभी सदस्यों, उनका हार्दिक स्वागत है। जो ये पंथ को आगे बढ़ाने के लिए जितने भी सेवक लोग हैं, जितनी भी मेहनत करेंगे, उन गुरु के लिए कमी है। और उन गुरु से मेरी प्रार्थना है, नवल साहब से, कि ये आप सेवक को शक्ति दे, बुद्धि दे, बल दे। है नवल साहब को, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मारे साहब ने प्रणाली बोलवानी से पदम साहब का शिष्य नीलकंठ साहब, नीलकंठ साहब का शिष्य रघुनाथ साहब, रघुनाथ साहब का शिष्य यादव साहब, यादव साहब का शिष्य शिष्टमूर पूर्ण साहब, पूर्ण साहब का शिष्य भाण साहब, भाण साहब का शिष्य रवि साहब, रवि साहब का शिष्य खेम साहब, खेम साहब का शिष्य त्रिकम साहब, त्रिकम साहब का शिष्य करताराम साहब, करताराम साहब का शिष्य नवल साहब, नवल साहब का शिष्य हरिराम साहब, हरिराम साहब का शिष्य देवी साहब, देवी साहब का शिष्य बिंजादास साहब, बिंजादास साहब का शिष्य पाचाराम साहब, पाचाराम साहब का शिष्य लालाराम साहब, लालाराम साहब का शिष्य अर्जुन दास, अर्जुन दास। क्यारनो अलग अलग था तू तुमने। मेरे पहले जो गुरु प्रणाली जिसको बोला जाता है, ये मेरे पहले जो बापू जो अर्जुदास बापू ने, ऐसा देखा जाए तो हम एक ही कबीर पंथ के, कबीर में से ही सब उत्पन्न हुआ है ये पंथ में। फिर बाद में अलग अलग जो पंथ हुए, कबर कबीर नानक गोरख, ये सब पंथ है, हम सबको मान्यता देते हैं, सभी का हम आदर करते हैं, सभी शिष्यों का, हर एक पंथों का हम आदर करते हैं। पंथ का मतलब यही है, सत्य का मार्ग पे चलना, और ये हमारे जीवन में कायम रहे, सत्संग गुरु भजन हमेशा रहे, ये माध्यम से ये सब चल रहा है। और इधर की जो बदला अभी अपने क्या थे, निवाली नाका, निवाली नाका कल्याण में हम पहला ही जो गुरु महिमा रखा है, तो हम सब लोग उसमें शामिल हुए हैं। और ये वापस से मैं आप ये अगले महीने की जो तारीख है, बदलापुर के अंदर 15 तारीख मंगलवार 15 तारीख ये जो रहेगी अगले महीने की, वो हमारे घर पे रखा जाएगा गुरु महिमा। और इस माध्यम से सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा मैं जो पंथ के, और उसमें ये नहीं है कि कोई यही पंथ के लोग आए,
सभी पंथों को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि मार्ग एक ही है सभी का, और एक मार्ग से एक तन मन धन से हमको सभी को चलना है। सभी का गुरु का सब स्मरण करे, पंथ तो रास्ता तो एक ही है। बस यही कह के फिर से आप सभी को आमंत्रित करूंगा, सभी बड़ी तादाद में आए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय। यहाँ जो अभी नवल साहब का आज से जो पंथ का निर्माण हो रहा है तो जूना ही, नवल साहब का जो है घराना जूना ही है, पर जो आज उसकी जो महिमा रमेश भाई मांडविया दीपक भाई उन्हें नवल साहब का जो आज से प्रचार किया है, और हमारे साहेब ईश्वर भाई वाघेला राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रुखी समाज के है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और जो गुरु महिमा के जो आज से प्रचार किया है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे जय श्री दुर्गा रामापीढ़ गुजराती रुखी सेवक समाज संस्था के उल्लासनगर चार के तरफ उसका हार्दिक शुभेच्छा है। बोल सदगुरु देव की जय। ओके। श्रावण महीनो आड़ी हो तो तेरे हूँ कर्म संन्यास योग नाम नो अध्याय वाजी हो अने संगोचो के मने मामा मळ्या, मामा ने कीधु मामा हूँ नवल पंथो छे, पण मने एनो के आचार विचार खबर नथी, के हूँ पहले थी जो मारा बापू जी अहीं कबीर पंथी छे, मारा मोटा बापा कबीर पंथी छे, मैं एनो पहले थी पहेलो शनिवार शिष्य जो हिंदी में भोजन जो उनके शिष्य है तो सभी को बदलापुर स्थापित में जहाँ रहता हूँ आप सभी को मुझे आमंत्रित करना चाहूंगा। आप आएंगे हमको खुशी होगी, और हमारे गुरु महाराज की महिमा आगे बढ़े, यही आप सभी से प्रार्थना है। फिर से ये तारीख आप सबको याद रखना है, और हम सब अकेले काम नहीं कर रहे, सबको मिलकर काम कर रहे हैं। जैसे हमको ये तारीख मालूम पड़ी है तो हमारे और शिष्य हैं और जो आगे व्यक्ति है उनको हम परिचित करेंगे, उसको हम पहचान देंगे ऐसा ऐसा, और आगे हम पता कायम रखेंगे। धन्यवाद। मैं ईश्वर राठौड़, महाराष्ट्र रुखी वाल्मीकि समाज के आज माध्यम से मैं बदलापुर से आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा परिचय, मैं रुखी समाज का माजी अध्यक्ष और हमारे आदरणीय ईश्वर भाई वाघेला अखिल भारतीय रुखी वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष हमारे साथ और उनके मार्गदर्शन के साथ हम चल रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो अभी तक हमने भागदौड़ जो की है उसमें हमको 70% सफलता भी प्राप्त हो गई है। जहाँ जहाँ हम गए हैं उन लोगों ने, उन ऑफिसरों ने और उनके जो भी सहयोगी ने हमको तन मन धन से हमको उनने सपोर्ट किया है, और 30% की बात रह गई है जो, तो मैं सिंधे साहब से जो अभी CM है उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हमारी कास्ट के लिए 30% का जो रह गया काम वो प्लीज़ करके आप पूरा कर दीजिए, जैसे हमको पूरा न्याय मिले। हम यहाँ ब्रिटिश के ज़माने से पहले हम यहाँ रहने को स्थापित है, और हमारा पीढ़ी और पीढ़ी यही महाराष्ट्र में ठाणा, कल्याण, डोंबिवली, बदलापुर और अन्य क्षेत्र में हम बड़े पैमाने पे यहाँ रहते हैं, और हमारे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। जो हमारी कास्ट है वो कास्ट के लिए ही हम हमारी सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं, अन्य कास्ट के लिए नहीं है। तो प्लीज़ करके मैं निवेदन करना चाहूँगा, और हमारे जो अखिल भारतीय रुखी वाल्मीकि समाज के सभी लोगों को भी ये मैं आमंत्रित करता हूँ कि हम सब लोग एक साथ रहें, और शिंदे साहब को मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करके जो रहा हुआ काम आप परिपूर्ण कर दें, यही आपसे हमारी विनती है। धन्यवाद। मी महाराष्ट्र रुखी गणती
समाजाचे माजी अध्यक्ष नरसिंहभाई मगन मकवाडा बोलतोय. विनंती शिंदे साहेबांना एवढीच आहे की आमच्या जे जातीचे प्रमाणपत्रासाठी अद्याप काही 100% काम झालेलं नाही आहे. आता आपण आलात आणि रुकी ग्राती समाज खाटण रोड ठाणे यांचं माजी अध्यक्ष नरसिंहभाई मगन मकवाणा बोलतोय. शिंदे साहेबांना एवढीच विनंती आहे की आमच्या जाती दाखल्याबद्दल जे काही आमचे महाराष्ट्र सेवन आमचे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ईश्वरभाई वाघेला आणि त्यांचे सहकार्यांनी जे काही त्याबद्दल आपल्याला भेटून आपल्या सहकार्यांना भेटून 70% काम झालेलं आहे असं समजलं आणि आनंदाची बाब आहे. आणि आता जे काही 30% काम राहिले आहेत ते आपण आता सत्तेवर आलात आणि आम्ही तुम्हाला ठाणेकर म्हणून हक्काने सांगू आणि का आपल्या कारकिर्दीत हे आमचं राहिलेलं जे काही काम आहे ते कुठे पण जर फायली अटकली असेल तर आपण ते पूर्ण करावी. आणि आमची समाज पूर्वीपासून आम्ही स्टेडियममध्ये राहत होतो तेव्हा त्यांच्या आधी दिगे साहेब होते त्यांचा कार्तिकीत आम्ही आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे आणि पुढे पण आमच्या समाजाचं पूर्ण सहकार्य आपले बरोबरच राहणार आहेत. आणि या निमित्ताने मी आपल्याला मुख्यमंत्री झाल्याबद्दल आमची समाजातर्फे आम्ही आपल्याला धन्यवाद देतो आहे आणि आमचं काम पूर्ण होईल अशी आशा बाळगतो आहे. जय महाराष्ट्र.